अपने मतलब के लिए लोग अक्सर बदल जाते हैं, अपनों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। वक्त चीज़ ही ऐसी होती है, इंसान को ऐसे बदलती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। अपने इस बदलाव के लिए तमाम लोग अलग अलग तरह की दलीलें देते हैं, लेकिन बॉलीवुड के आजकल सबसे हॉट केक कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो दलील दी है उसे सुनकर ना आप पेट पकड़कर हंस पड़ेंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में बीजेपी के परम भक्त मनोज मुंतशिर ने खुलेआम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल उठाते हुए कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है। एक कवि की किसी राजनेता के लिए ऐसी भाषा आपने सुनी है क्या? उसकी आलोचना करते हुए इस तरह के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कवि नहीं 2 रुपए का ट्रोलर बोल रहा हो। लेकिन इस बीच मनोज मुंतशिर का ये ट्वीट वायरल होने लगा जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं, अमेठी का बेटा बता रहे हैं उनको। और तो और उनका एक और पुराना ट्वीट वायरल हो गया जिसमें वो न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे गांधी परिवार की तारीफ कर रहे हैं, वो भी अपना गाना लगाकर। और ऐसा ही एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल होने लगा जिसमें वो उर्दू की ना भर भर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए 2-3 साल में मनोज मुंतशिर ऐसे बदले कि गिरगिट भी ना कॉम्प्लेक्स खा जाए। खुद के इन पुराने बयानों पर अब खुद मनोज मुंतशिर शुक्ला बोले हैं क्योंकि लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो बोले हैं ना उसे लेकर अब उनकी खिल्ली ज्यादा उड़ने लगी है। आखिर 2-3 सालों में मनोज मुंतशिर कैसे बने बीजेपी भक्त, उस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, हम पत्थर नहीं है, इंसान है। बदलना, इवॉल्व होना, कुछ नया सीखना, नई सोच से प्रभावित होना, ये अच्छी बात है, बुरी नहीं। 10 साल पहले आप जिस अंधकार में थे अगर आज भी वही खड़े हैं तो जरूर आपने अपना प्रकाश ढूंढने का प्रयास नहीं किया। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि वो जब गांधी परिवार की तारीफ करते थे तो वो इवॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन अब वो इवॉल्व हो गए हैं, उन्होंने कुछ नया सीखा है, प्रकाश मिल गया है उनको, सत्य का प्रकाश, मतलब सत्य की प्राप्ति टाइप। वैसे सत्य का तो पता नहीं, लेकिन जब से मुंतशिर भाई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से करीबियां बढ़ाई हैं, सत्ता से करीबियां बढ़ाई हैं, मोदी जी की भक्ति शुरू की है, बीजेपी के राग अलापने शुरू किए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा काम की उनको बहुत प्राप्ति हो रही है। न केवल आदि पुरुष जैसी बड़ी फिल्म में उन्हें डायलॉग लिखने का काम मिला, बल्कि एक बड़े चैनल के रियलिटी शो में जज भी बनकर आ गए। आजकल खूब नोट छाप रहे हैं मुंतशिर साहब। अब ऐसे प्रकाश की प्राप्ति हो तो कौन मूर्ख होगा जो नहीं बदलेगा। दोस्तों, मनोज मुंतशिर के इवॉल्व होने वाले बेतुके बयान पर लोगों ने उन्हें धो डाला। नवीन कुमार नाम के यूजर ने लिखा, भाई 10 साल बाद तुम फिर इवॉल्व हो गए तो, इतना तो डार्विन भी नहीं समझ पाए जितना तुम इवॉल्व हो गए। कहीं इन्वॉल्व होने के लिए तो इवॉल्व का सहारा नहीं ले रहे हो कुकवी। वही नीरज नाम के यूजर ने कहा, भाई गालियां सीख कर कौन सा इवॉल्व हो रहे हो, दिल में नफरत भरकर क्या सीख रहे हो, और सरेआम नफरत भरी बातें बांटकर क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो, वैसे प्रकाश की जरूरत है आपको। वहीं शैलेश शुक्ला नाम के यूजर ने कहा, कवि कहना चाहता है कि वो मौका परस्त है और उसे इस मौके को भुनाने के लिए नफरत फैलाना और पहले जहां मौका का फायदा उठा रहे थे उसके बारे में अनाप शनाप बोलना पड़ता है। वहीं साहिल शुक्ला नाम के यूजर कहते हैं, तो क्या 10 साल पहले गांजा फूंकते थे भाई, साफ साफ कह दो कि जैसे जैसे सत्ता बदलेगी वैसे वैसे आप ज्योति ढूंढने निकलेंगे, वैसे चाणक्य का नाम लेकर जो मार्केट में झूठ फैलाते हो उसे बंद करो कवि महोदय। दोस्तों, मनोज मुंतशिर ने गलत नहीं कहा, हम सब सीखते हैं वक्त के साथ, हम सब इवॉल्व होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपनी सोच बड़ी करते हैं, खुद को ज़्यादा विनम्र करते हैं, दिल बड़ा करते हैं, सही और गलत में फ़र्क बेहतर तरीके से समझते हैं और समझाते हैं। लेकिन जो आज मनोज मुंतशिर कर रहे हैं उसे इवॉल्व होना नहीं, सत्ता की मलाई चाटना कहते हैं। वो मलाई जो रातों रात भले ही आपके करियर के बारे न्यारे कर दे, लेकिन आपके द्वारा फैलाई गई नफरती सोच समाज में ऐसा जहर भरेगी ना कि उसे खत्म करने के लिए दशकों लग जाएंगे। आपको मनोज मुंतशिर की इवॉल्व होने वाली ये दलील कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।